अपने सब्सक्राइबर जो भी ये वीडियो देख रहे हो ना, बस प्लीज प्लीज सलमान भाई के लिए दुआ करो, जल्दी से भाई अपने ठीक हो जाए। नीचे आ जा, नीचे आ जा भाई, ये पूरा यहाँ से भी टूट गया, ये देख रहे हो भाई, जाम लगा है। इसमें क्या गलती का मसला है, इसको इधर बुला। बंदे ने भाई सॉरी बोला तो मेरे को लगा यार छोड़ देना चाहिए, क्या फ़ायदा इतनी सी चीज़ के लिए किसी के साथ बुरा करने का, बट चलो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके मोटो व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे तो बढ़िया ही होने चाहिए। तो अभी आप देख पा रहे होंगे हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है सीधी भाई हाईवे से। तो अभी हम जा रहे हैं परेपला वाली साइड से होकर लाल चौक। वकार को एक काम है थोड़ा फ़ोन वोन के मसले में, सो लेट्स सी भाई क्या रहता है राइड में। काफ़ी सारी बातें करनी है आपके साथ और कुछ पूछना भी है आपसे, बट सीन ऐसा है कि आप लोग पूरा व्लॉग नहीं देखते। बस मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप अच्छे से सपोर्ट दिखाओ, आप पूरा व्लॉग देखो ताकि भाई आप इंजॉय कर पाओ। आधा व्लॉग देख के भाई नहीं समझ पाओगे आपके मैं व्लॉग में क्या कहना चाहता हूँ, क्या दिखाना चाहता हूँ या क्या बोलना चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ ना भाई, जैसे आप सपोर्ट दिखा रहे हो इंस्टाग्राम पे, अपने 11K फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो थैंक यू सो मच भाई। वैसे ही सपोर्ट यूट्यूब पे भी चाहिए हमको, बस आपका सहारा होना चाहिए, आपका साथ होना चाहिए। अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी राइड्स आएंगी हमारी नेक्स्ट वाली। भाई मैं भगा के इसलिए नहीं चल रहा बिकॉज अपना जो रेयर वाला टायर है ना भाई बिल्कुल प्लेन हो रखा है, गंजा हो रखा है, तो मेरे को जल्दी से जल्दी भाई टायर चेंज करवाना है, अदरवाइज भाई स्केड होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। आपको तो पता ही है कश्मीर की रोड्स भाई मिट्टी पड़ी रहती है बहुत ज़्यादा, रेत वगैरह कुछ भी पड़ा रहता है कश्मीर की रोड में, तो इस वजह से भाई नॉर्मली राइड चल रही है अपनी आराम आराम से। सो मैंने सोचा भाई अपोलो H1 और एक MRF का टायर आता है भाई काफ़ी सेक्सी लुक वाला, बट जो ग्रिप हमें अल्फा H1 दे पाएगा वो कोई भी टायर नहीं दे पाएगा, इसीलिए मैं सोच रहा था कि आपसे पूछ लेते हैं कौन सा टायर बेस्ट रहेगा भाई Duke 390 के लिए। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा हमें देख रहा है जिसके पास 390 है या KTM की कोई भी बाइक है जिसमें 150 साइज का टायर डलता है तो हमें बता दो भाई H1 कैसा रहेगा। बजट का काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा है, जल्दी से जल्दी मेरे को जम्मू भी निकलना है आपको पता ही है, तो लेट्स सी भाई यहाँ पे किसी से पूछेंगे किसी शॉप वाले से कि अल्फा H1 टायर हमें किस तरह पड़ जाएगा। अगर 6:30 तक हमें मिल जाता है तो हम ऐसे ही शॉप से ही डलवा लेंगे, अदरवाइज हम ऑर्डर कर लेंगे बिकॉज मुझे लगता है कि शॉप पे तो महंगा ही मिलेगा, ऑर्डर करने में थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। अभी 4-5 दिन तो मैं निकाल ही सकता हूँ इस टायर पे। तो गाइस कल शाम को मैं एक वीडियो देख रहा था द डार्क स्पेक्ट्रे करके, अपने एक भाई हैं मोटो व्लॉगर, मतलब ज़्यादा कंसिस्टेंट वीडियोज़ तो नहीं डालते बट काफ़ी अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं भाई, उनको कुछ लोग ना भाई पो किए जा रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में उस जैसा मोटो व्लॉगर और इतना अच्छा बंदा नहीं देखा भाई, बिल्कुल सिंपल व्लॉग्स होते हैं और देखने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, बट लोग उसको भी नहीं छोड़ रहे भाई पो किए बिना, तो क्या ही बोलें भाई। इसलिए मैं कहता हूँ हमारे कश्मीर में भी अच्छे अच्छे मोटो व्लॉगर्स हैं, हमारे कश्मीर के जो लोग हैं जो ऑडियंस है उनको चाहिए हमारे कश्मीरी भाइयों को सपोर्ट करना। अपने चाहते हैं भाई अपने कश्मीर से भी एक ऐसा मोटो व्लॉगर हो जो भाई अपने कश्मीर का नाम रोशन करे। तो माइक की बैटरी हमने चेंज कर ली हुई है, होपफुली आपको अब हमारी वॉइस क्वालिटी थोड़ी ठीक लग रही होगी, पहले से थोड़ी तो नहीं काफ़ी अच्छी लग रही होगी। बाकी अभी हम हैं जी लाल चौक में, इतना ट्रैफिक जाम इस वजह से है क्योंकि आज है जी संडे और आपको पता ही है लाल चौक में लगता है जी संडे मार्केट और भीड़ काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है ना। सो फाइनली गाइस अभी हम निकल चुके हैं वापस से सीधा भाई, पहले वकार का एक फ़ोन ख़राब हो चुका है भाई, वो फ़ोन देना है ठीक कराने के लिए, तो उसके बाद भाई हम निकल जाएंगे राइड पर। तो काफ़ी दिन से मैंने व्लॉग नहीं किया था एक्चुअल में, मैंने सोचा आज जाते हैं एक मस्त सा व्लॉग बनाते हैं आपके लिए, तो ट्रैफिक भाई काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। तो हाँ जी पहुँच चुके हम रामबाग वाले फ्लाईओवर पे और यहाँ से आगे तो भाई अब मज़ा आने वाला है राइड में। आपसे एक रिक्वेस्ट है ना भाई, आप लोग ना सब जो भी हैं अपने सब्सक्राइबर जो भी ये वीडियो देख रहे हो ना, बस प्लीज़ प्लीज़ सलमान भाई के लिए दुआ करो, जल्दी से भाई अपने ठीक हो जाए। बाकी श्याम भाई है उसके लिए भी दुआ करो भाई, तो जल्दी से अपने दोनों भाई ठीक हो जाए ना, फिर भाई अच्छी अच्छी राइड्स रहेंगी, मज़ा आएगा, एक साथ बैठेंगे उठेंगे, काफ़ी टाइम से उनको मिला भी नहीं, मैं काफ़ी मिस कर रहा हूँ, बस आपकी दुआ होनी चाहिए सब ठीक होना चाहिए। आजकल भाई परीपुरा काफ़ी टाइम के बाद में आया हूँ तो आजकल क्राउड ज़्यादा नहीं रहता, पता नहीं किस टाइम पर क्राउड ज़्यादा होता है यहाँ पर, सही से मुझे पता नहीं, बट पहले जब हम आते थे ना 6 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास भाई काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता था और अच्छे खासे यानी कि रिएक्शन देखने को मिलते थे। अभी तो भाई ना होने के बराबर यहाँ पे क्राउड रहता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं भाई, जो बंदा भाई पिछले 4-5 साल से अगर बाइक चला रहा है उसके पास इतने स्किल्स तो हैं कि वो रैश कर सकता है आराम से, बट ना करो तो बेहतर है बिकॉज 2-व्हीलर पे भाई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए कब क्या, तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा। सो फाइनली गाइस अभी वकार को छोड़ दिया मैंने, भाई क्या कर दिया इस बंदे ने,
पागल है क्या? शिट, सीरियसली क्या बचा हूँ भाई। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा घर के लिए। आई होप आपको हमारी आज की छोटी मोटी सी राइड पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मिलते हैं इसी के साथ आपको एक प्यारी सी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जो कि आखिरी वीडियो श्रीनगर की होने वाली है। देन हमारी जम्मू की राइड स्टार्ट हो जाएगी, तो होपफुली आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय बाय बाय।